नमस्कार दोस्तों। जहां एक तरफ ज्यादातर दुनिया के लिए 2020 का साल एक अच्छा साल नहीं था, वहीं एक इंसान थे जिन्होंने इस एक साल में 150 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा पैसे कमाए। मैं बात कर रहा हूं इलॉन मस्क की, जो कि 7 जनवरी 2021 को दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए, वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। 2020 के शुरू में इनकी नेटवर्थ थी 27 बिलियन डॉलर्स, जो कि इन्हें बनाती थी दुनिया का 35th रिचेस्ट पर्सन। लेकिन एक साल के अंदर अंदर इनकी नेटवर्थ बढ़कर हो गई 190 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा। और मजे की बात तो यह है दोस्तों कि इलॉन मस्क ने कुछ ऐसा खास किया भी नहीं इस साल। मतलब खास तो किया, खास वो हर साल करते हैं, हार्डवर्किंग इंसान है वो बड़े। लेकिन मेरा मतलब यह है कि उन्होंने 2020 में कुछ ऐसा खास एक्स्ट्रा या कुछ अलग नहीं किया जो उन्होंने 2019, 18, 17, 16 में नहीं किया। अगर वो कुछ ना भी करते इस पूरे साल तो भी चांसेस बड़े हाई थे कि वो इतने अमीर बन जाते जितने वो अमीर बने हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया, क्या है राज इनके सक्सेस के पीछे, आइए जानते हैं दोस्तों इलॉन मस्क की दास्तां आज के इस वीडियो में। सोचकर देखिए दोस्तों, जब आप बिलियनेयर लेवल के इंसान हैं तो आप पैसे कहां से कमाते हैं? ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ काम करते हैं उसके बदले आपको सैलरी मिलती है और उस सैलरी को इकट्ठा करते रहते हैं बैंक अकाउंट में जब तक इतने पैसे नहीं हो जाते कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स बन जाएं। ये होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि 1 बिलियन इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है कि इन नॉर्मल तरीकों से पैसे कमाना और 1 बिलियन कमा लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता। क्या है दोस्तों, ज्यादातर केसेस में जो बिलियनेयर्स होते हैं ये किसी ना किसी वैल्यूएबल कंपनी के मालिक होते हैं, एक ऐसी कंपनी के ओनर होते हैं जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू हो दुनिया में। जैसे कि मार्क जकरबर्ग फेसबुक के मालिक हैं, जेफ बेजोस अमेज़न के मालिक हैं, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के हैं, ऐसा ही इलॉन मस्क के साथ भी है। ये टेस्ला के मालिक हैं जो कि एक इलेक्ट्रिक कार की कंपनी है। और इन सब लोगों की जो वेल्थ होती है वो अपनी कंपनी से बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड होती है, बहुत क्लोजली जुड़ी होती है। इनफैक्ट ये इस एक्सटेंड तक है कि ये लोग एक दिन के अंदर अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर पैसा कमा सकते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर पैसा लूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इनकी कंपनी की वैल्यू क्या चल रही है शेयर मार्केट में। अगर इनकी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो ये एकदम से अमीर बन जाते हैं, और अगर इनकी कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जाता है तो ये एकदम से बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान सह सकते हैं। ऐसा ही टेस्ला के साथ हुआ दोस्तों। 2020 में टेस्ला का स्टॉक प्राइस 720% बढ़ा एक साल के अंदर अंदर। और यही मेन रीजन है दोस्तों कि इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बन गए। हैरानी की बात शायद आपको यह लगेगी दोस्तों कि इलॉन मस्क ने टेस्ला कंपनी नहीं बनाई। टेस्ला को बनाया गया था 2003 में दो लोगों के द्वारा जिनका नाम था मार्टिन और मार्क। इलॉन मस्क ने इस कंपनी को 2004 में ही ज्वाइन किया था 30 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करके, और 2008 के बाद ही इलॉन मस्क टेस्ला कंपनी के सीईओ बने। 2009 में कंपनी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही थी, इसलिए इन्होंने फैसला लिया कि इस कंपनी को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट करना चाहिए ताकि पब्लिक इसमें इन्वेस्ट कर पाए और हम रिकवर कर पाए। इसलिए 2010 में इस कंपनी को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट कर दिया गया। इसकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हुई आईपीओ, जिसके बारे में मैंने पिछले कई वीडियोस में समझाया है। और उस वक्त जब यह हुआ टेस्ला का एक शेयर का प्राइस था $17, और 14 जनवरी 2020 में इसके एक शेयर का प्राइस था $854। आज के दिन इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 800 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से ये दुनिया की 5th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और अल्फाबेट के बाद। अल्फाबेट ये गूगल वाली कंपनी है। इलॉन मस्क टेस्ला में 20% स्टेक ओन करते हैं और यहीं से इनकी वेल्थ इतनी ज्यादा बढ़ी है। इसके बारे में आगे और बात करने से पहले आइए जानते हैं इलॉन मस्क की खुद की कहानी क्या है। साउथ अफ्रीका में 1971 में इलॉन मस्क पैदा हुए थे। इनकी मम्मी अमेरिकन थी, पापा साउथ अफ्रीकन थे। कहा जाता है कि एक बहुत ही छोटी उम्र से इन्होंने कंप्यूटर्स का एक्सपीरियंस लिया। 10 साल की एज पे इन्हें पहला कंप्यूटर दिया गया और इन्होंने खुद से कोडिंग करना सीखा, कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। और 12 साल की एज पर इन्होंने एक कंप्यूटर गेम कोड किया जो कि इन्होंने $500 के प्राइस पर बेचा। तो ये पहली कमाई थी इनकी जो कि सिर्फ 12 साल की एज पर हुई। 1989 में ये कनाडा गए और उसके बाद यूएस की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी। इनका मानना है कि 3 चीजों ने इन्हें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। एक है इंटरनेट, दूसरी है रिन्यूएबल एनर्जी और तीसरी है स्पेस ट्रैवल। 1995 में कह सकते हो इन्हें अपना पहला ब्रेक मिला। इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक जिप 2 नाम की कंपनी बनाई जो कि बेसिकली एक येलो पेजेस की तरह टेलीफोन डायरेक्टरी थी जिसमें मैप्स भी होते हैं, और ये कंपनी काफी हाई प्राइस में बिकी थी। इसके बाद इन्होंने X.com नाम की एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बनाई जो कि ईयर 2000 में एक और कंपनी के साथ मर्ज हो गई और पेपाल बना।
2001 में पेपाल के चेयरमैन और सीईओ इलॉन मस्क बने, जिसके बाद इस कंपनी को 1.5 बिलियन डॉलर्स के लिए एक्वायर कर लिया गया ईबे के द्वारा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इलॉन मस्क ऑलरेडी एक बिलियनर बन चुके थे। इसके बाद इन्होंने अपना फोकस लगाया अपने पैशंस में। 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा इन्वेस्ट किए इन्होंने एक कंपनी बनाने में स्पेस एक्स, जिसका मेन मकसद है कि मार्स पर इंसानों को भेजा जाए और एक कॉलोनी एस्टेब्लिश करी जाए। 2020 में पिछले साल स्पेस एक्स पहली प्राइवेट कंपनी बन गई जिसने किसी इंसान को स्पेस में भेजा हो। 2025 तक SpaceX का प्लान है कि पहले इंसान को मार्स तक भेजना। देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है ये। लेकिन इतने बड़े बड़े प्लान्स की वजह से और इतने बड़े आइडियाज और विजन की वजह से इलॉन मस्क को रियल लाइफ टोनी स्टार्क अक्सर कहा जाता है। इन्होंने ये चीज भी बार बार हाईलाइट करी है कि एक कॉलेज डिग्री होने की जरूरत नहीं अगर आपको अपना अच्छा करियर बनाना है। तो एक ट्वीट इन्होंने किया था, यू स्टिल डोंट नीड अ कॉलेज डिग्री टू वर्क फॉर इलॉन मस्क। इलॉन मस्क एक डिग्री को ज्यादा वैल्यू नहीं देते, बल्कि ये वैल्यू देते हैं एक्सेप्शनल एबिलिटी को। अगर कोई इंसान दिखा सकता है कि मैं इतना अच्छा काम कर सकता हूं, ये इंसान उनके लिए ज्यादा वैल्यूएबल होगा एज कम्पेयर टू एक इंसान जो कि सिर्फ अपनी डिग्री दिखा पाए। काफी सीख मिलती है दोस्तों इलॉन मस्क की कहानी से कि कैसे आप पैशन, स्किल और हार्ड वर्क के बेसिस पर ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज और स्किल्स है तो आपको डिग्री की भी जरूरत नहीं। था एक बिलियनेयर के लिए उसकी वेल्थ अक्सर किसी कंपनी से इतनी ज्यादा जुड़ी होती है कि उस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर नीचे जाएगा तो उस बिलियनेयर की खुद की नेटवर्थ भी ऊपर नीचे जाएगी। और ये जो पैसे होते हैं ना, ये अक्सर उस कंपनी में ही अटके होते हैं। हमेशा उन पैसों को निकाल कर एक्सेस कर पाना कई बार मुश्किल होता है। और किसी भी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है जब भी उसकी ज्यादा डिमांड होती है मार्केट में। अगर नॉर्मल लोगों को, जनता को लगता है कि ये कंपनी सक्सेसफुल होने वाली है तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसके शेयर प्राइस ऊपर चले जाते हैं। और ऐसा अक्सर तब होता है जब एक कंपनी की जो फ्यूचर पोटेंशियल है वो अच्छी दिख रही हो। फ्यूचर में क्या हो रहा है अभी दोस्तों, सारी जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ी हैं, बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज इन गाड़ियों को कम से कम करना चाह रही है ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके, कार्बन एमिशंस को कम किया जा सके, और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज इलेक्ट्रिक कार्स में स्विच करना चाह रही है। और टेस्ला वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार्स का ब्रांड है, इसलिए लोगों को दिख रहा है कि आने वाले 10 सालों में ये टेस्ला कंपनी बहुत पॉपुलर हो सकती है, दुनिया भर में इसकी कारें बिकेंगी, इसलिए लोग इसमें इन्वेस्ट करने लग रहे हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि टेस्ला का शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड है, मतलब माना कंपनी अच्छी है, माना इसका बहुत अच्छा फ्यूचर दिख रहा है यहां पर, लेकिन इतने सारे लोग इतना ज्यादा पैसा लगाकर बैठे हैं, ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया। जैसे कि जेपी मॉर्गन बैंक ने दिसंबर 2020 में कहा था, टेस्ला शेयर्स आर इन आर व्यू एंड बाय वर्चुअली एवरी कन्वेंशनल मेट्रिक नॉट ओनली ओवर वैल्यूड बट ड्रामेटिकली सो। मई 2020 में इलॉन मस्क ने खुद कहा था कि टेस्ला का शेयर प्राइस कुछ ज्यादा ही है और वॉर्न किया था अपने एम्प्लॉयज को कि ज्यादा उम्मीद ना लगाए बैठे क्योंकि ये शेयर प्राइस नीचे भी आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि इसकी शेयर प्राइस की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ सकती है आने वाले सालों में। एक बिलियनियर इन्वेस्टर का कहना है कि टेस्ला का स्टॉक अभी से 3 गुना ज्यादा बढ़ सकता है। अगर ये दोस्तों ऐसा हो गया, अभी इलॉन मस्क की जो नेट वर्थ है वो 200 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, अगर टेस्ला का प्राइस, स्टॉक प्राइस 5 गुना बढ़ गया तो इलॉन मस्क की जो नेट वर्थ है वो 1000 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकती है। इसका मतलब समझ रहे हो, वो दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन सकते हैं। अभी तक मिलियनेयर बिलियनेयर सुना था, ये ट्रिलियनेयर बन सकते हैं। ऐसा भी कई लोगों का मानना है कि ये डेफिनेटली पॉसिबल है अगर टेस्ला का स्टॉक इतना ज्यादा बढ़ जाए तो इलॉन मस्क एक ट्रिलियनेयर बन जाएंगे। लेकिन मजे की बात यहां पर यह है दोस्तों कि इलॉन मस्क अपने आप को कैश पुअर बुलाते हैं, यानी उनके पास ज्यादा कैश नहीं है। अगर वो इतना सारा पैसा स्पेंड करना चाहें तो वो पैसा उनके पास होगा नहीं स्पेंड करने के लिए। वो कहते हैं कि टेस्ला का सीईओ होने के नाते वो एक पैसा सैलरी भी नहीं लेते हैं और बहुत कम कैश वो अपने पास रखते हैं। इनफैक्ट दोस्तों उनकी 99% वेल्थ जो है, ये जो 190 बिलियन डॉलर्स है, इसमें से 99% वेल्थ इन दो कंपनीज के शेयर्स में अटकी हुई है। एक है टेस्ला और दूसरी कंपनी है SpaceX। अब अगर वो ये इतना सारा पैसा इन कंपनी से निकालकर अपने पास लेना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्हें अपने शेयर्स बेचने पड़ेंगे इसके लिए। और अगर इलॉन मस्क ने टेस्ला कंपनी के शेयर खुद ही बेच दिए तो खबर में क्या आएगा, बाकी लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, बाकी लोगों को लगेगा तो इन्हें अपनी कंपनी पर खुद भरोसा नहीं है,
तो शेयर प्राइस बुरी तरह से क्रैश कर जाएगा और फिर ये जो इतना सारा पैसा है ये एक्चुअली में होगा ही नहीं। आप दुनिया के रिचेस्ट इंसान तो हो, लेकिन जब 190 बिलियन डॉलर्स कहा जाता है यहां पर कि आपके पास हैं, ये आपके पास एक्चुअली में पॉकेट में रखे नहीं हुए, आप इतने पैसे स्पेंड नहीं कर पाओगे। इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि इलॉन मस्क का पैसे के साथ ज्यादा लगाव नहीं है। ये कहते हैं कि इन्हें ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि एक प्राइवेट जेट लेकर रखेंगे, एक आइलैंड खरीद लेंगे इतने सारे पैसों से। ये पैसे को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज और स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह कम देखते हैं, बल्कि इनका कहना है कि ये पैसे को एज अ मींस टू एन एंड देखते हैं, एक फाइनेंशियल टूल की तरह देखते हैं जो कि काफी यूजफुल है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इसी रीजन से शायद जब ये न्यूज में आया कि इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, तो इन्होंने ट्वीट करके लिखा स्ट्रेंज और उसके बाद लिखते हैं वेल बैक टू वर्क। एक और ट्वीट में इन्होंने लिखा था अबाउट हाफ माय मनी इज इंटेंडेड टू हेल्प प्रॉब्लम्स ऑन अर्थ, आधा पैसा इनका इस्तेमाल किया जाएगा धरती की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और बाकी आधा पैसा इस्तेमाल किया जाएगा कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ के लिए सारी स्पीशीज के लिए, कि अगर अर्थ खत्म हो जाती है, कोई एस्ट्रॉयड आकर अर्थ को खत्म कर देता है जैसे डायनासोर्स के समय हुआ था, तो मार्स पर एक कॉलोनी एस्टैब्लिश करी जा सके और अर्थ पर रहने वाली स्पीशीज को बचाया जा सके। तो ये थी दोस्तों बड़ी ही दिलचस्प कहानी इलॉन मस्क की। आज के दिन ये एक्चुअली अब रिचेस्ट इंसान नहीं रहे, क्योंकि मैंने बताया था शेयर प्राइस इतना ज्यादा ऊपर नीचे होता है कि ये थोड़ा सा नीचे हो गया और जेफ बेजोस फिर से इनसे ऊपर निकल गए हैं। इनकी 179 बिलियन डॉलर्स की वेल्थ हो चुकी है और जेफ बेजोस 182 पर है अभी। उम्मीद है इनकी कहानी आपको इंस्पिरेशन लगी होगी। पसंद आया वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बताइए अगर ऐसे ही और वीडियोज आप देखना चाहते हैं और इंस्पायरिंग लोगों के ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।